पड़ेगा मॉम। अरे नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कूदूंगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे के लिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना। बेटा मॉम, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? वो यहाँ तक कैसे ले आए हैं तुम्हें? फ्लाइट में ले आए हैं क्या? जब मैं स्कूल गया था, अजीब सा ट्रक आया था। वो मैं देखने गया था तो उन लोगों ने रास्ते बांध के मुझे यहाँ पर टाई कर दिया है। ओ कितनी बुरी बात है बेटा, चलो घर चलते हैं। ठीक है। हाँ तो सोरा, चलो डिवोर्स पेपर साइन कर लो। पापा वो मैं डिवोर्स पेपर साइन नहीं कर पाऊंगी। पापा क्यों नहीं सोरा? तुमने पहले से ही समझ रखा है ना कि तुम सेलेब्रा को किसी भी हालत में डिवोर्स देने वाली हो। अब क्यों नहीं साइन करोगी तुम उसकी पेपर? तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा सोरा, करना ही पड़ेगा। पापा मुझे अभी भी वो पल याद है जब सेलेब्रा ने मेरे बच्चे को बचाया है। वो कितनी खुशी से मेरे बच्चे को इतनी एनर्जी यूज करके उसने बचाया था। वो बहुत अच्छा है पापा, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। हाँ मैं उसे सच में डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। उसने मेरे बच्चे को बचाने के लिए उसकी जान देने तक तैयार हो चुका है। जब हम डिवोर्स के बारे में बातें कर रहे थे तो वो पियामोन को बचाने के बारे में बातें कर रहा था। पापा वो बहुत अच्छा है पापा, मैं उसे डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ। क्यों होती हो? मैंने इसे पहले से बात करके रखा है, सेलेब्रा अच्छा बनने वाला है, वो जरूर अच्छा बनेगा। लेकिन थोड़ी आदतें तो वो उसे छोड़नी ही पड़ेगी। उसके बारे में मैंने उसे बातें कर लिया है, मैंने उसे टाइम मशीन में साफ साफ दिखा दिया है कि वो कितनी जल्दी मरने वाला है और वो भी क्यों मरने वाला है। अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो वो मर जाएगा, बदल दी तो नहीं मरेगा। देख क्या तुम जानना चाहती हो कि मैंने उसे कैसे बातें कर सुधारा है? हाँ पापा बताइए। सेलेब्रा, हाँ पापा, तुम आजकल बहुत बुरे बनते जा रहे हो, पीते हो, सिगरेट पीते हो, ये बहुत बुरी बात है। ये देखो, ये टाइम मशीन देखो, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो लंग डिजीज के वजह से। क्या तुम्हें पता है लंग डिजीज क्यों आता है? सिगरेट पीने के वजह से आता है। हाँ तो आपका मतलब है कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ? हाँ सेलेब्रा, अगर तुम इन आदतों को नहीं छोड़ोगे और सोरा को एक अच्छी सी जीवन नहीं दोगे तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे धोखी के साथ और लंग डिजीज के साथ। पहले से ही लोगों ने तुम्हारी फैमिली को एक बुद्धू सी फैमिली समझ के रखा है। सेलेब्रा आलसी मत बनो, सुकून की नींद तो तुम सारी रात सोते हो, लेकिन सुबह सुबह उठकर रोज ऑफिस जाओ, पैसे कमाओ। हमारे यानी कि मेरे बच्चे और सारे फैमिलीज ने इस घर को छोड़कर अपने अपने घर में चले गए हैं। मुझे तो सिर्फ जीने के लिए पैसे देते हैं, तुम्हें बचाने के लिए नहीं। सेलेब्रा तुम्हें अपने खुद के हाथों से पैसे कमाने पड़ेंगे और उन्हीं पैसों पर अपना घर चलाना पड़ेगा। तुम मेरे घर में नहीं जी सकते हो। सेलेब्रा मुझे बहुत माफ कर दो, मैं इतनी जोर से इतनी बुरी बुरी बातें कर रहा हूँ, बुरी भला बातें कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस छत के नीचे रहने की कोई इजाजत नहीं है। सेलेब्रा तुम जाकर अपनी ही छत के नीचे रहो, अपनी ही पैसे कमाओ, अपनी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाओ और उन्हें भी अच्छा बनाओ। देखो अगर तुम पढ़ोगे नहीं और तुम भी ऐसे गंदे गंदे हरकतें करोगी तो तुम जानते हो ना, तुम्हारे सारे बच्चे तो बिगड़ते जा रहे हैं और वो भी तुम्हारे जैसे बन जाएंगे, और सोचो उनकी शादी कैसी होगी। हाँ तो सेलेब्रा तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ पापा, लेकिन सोरा तो मुझसे डिवोर्स देना चाहती है। नहीं सेलेब्रा, मैं उससे बातें कर लूंगा, वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी। मैं देख लूंगा कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी। वैसे भी वो दिल की बहुत अच्छी है, वो बहुत बहुत अच्छी है, उसकी आदतें अच्छी हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ चुकी है। एटलीस्ट उसे तो जॉब करने दो, वो बहुत अच्छी है सेलेब्रा, वो बहुत बहुत अच्छी है। पापा आपने सेलेब्रा से ये सब कहा? हाँ सोरा, अब तुम डिवोर्स तो नहीं देने वाली हो, इसलिए तुम और सेलेब्रा सुकून की जिंदगी जियो, सुकून की नींद नहीं सो। तुम्हारे बच्चे तो बिगड़ते जा रहे हैं, उन्हें बचा लो। ठीक है सोरा, अब तुम्हारा इस घर को छोड़ने का समय आ रहा है सोरा, बाय, अपनी ख्याल रखना। तो अब तक आपने दुखी भरी स्टोरी को देखा है, बहुत इमोशनल स्टोरी को भी देखा है। आप लोगों ने एंजॉय कर लिया होगा कि ये स्टोरी कैसी चलती है।
वैसे भी हमारा हर प्रोग्राम तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आज का दिन इतना बुरा हो गया है, लेकिन कल से आप लोग जरूर एंजॉय करेंगे। इसका मतलब नहीं है कि हमारा प्रोग्राम अभी रुक रहा है, देखते जाइए होता है क्या। वैसे भी उस ज़ेब्रा कहीं के ने अब तक उन आदतों को नहीं छोड़ा है, वैसे भी पीता नहीं है, सिगरेट भी नहीं छूता है, लेकिन देखो सुबह उठते ही सोरा कहके चिल्लाता है और कॉफी मांगता है। लेकिन सोरा हमेशा उस पल को याद करती है कि जब ज़ेब्रा ने कूद कर पियामोन को बचाने के लिए अपने हाथ पैर तोड़ लिए हैं। वैसे भी हाथ पैर टूटने से वो सिगरेट भी नहीं पी सकेगा ना, इसलिए उसकी आदत तो चली गई। देखते जाइए होता है क्या, देखते जाइए हर पल में कितने नए रिश्ते होते हैं, देखते जाइए। सोरा मेरी कॉफी की है बात, बोलो सोरा कहाँ है कॉफी, कहाँ है कॉफी? ये लो स्पेशल कॉफी। सोरा ये इतनी टेस्टी नहीं है जितना पिछले साल था, तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो, तुम्हारी कॉफी की टेस्ट बहुत खराब हो रही है। वो कॉफी की टेस्ट की है बहुत बड़ी बात। हाँ तुम कुछ कह रही थी ना, वो इसीलिए कंटिन्यू करो सोरा। वो इसीलिए क्योंकि मैंने कॉफी पाउडर बदल दिया है। कॉफी पाउडर बदलने की है बहुत बड़ी बात। क्यों तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हैं। परेशानी की है बात। ठीक है नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारी मनपसंद कॉफी पाउडर ही यूज करूँगी। कॉफी पाउडर की है बात। ठीक है। हाँ ठीक है सोरा, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, नींद आने की है बात। अच्छा तुम सो जाओ, मैं जा रही हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा सोरा मुझे जरा कॉफी पिल्स दे दो ना। हाँ ये लीजिए। अरे वाह सोरा तो सुधर गई, कॉफी पिल्स पूछने के बाद ही उसने कॉफी पिल्स दे दिए हैं। यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिफेक्ट है क्या? सोरा सुधर रही है। अब आपको कैसे लग रहा है? हाँ मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। लेकिन सोरा तुम्हारी और ज़ेब्रा की जिंदगी अब कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है। मैं ज़ेब्रा सारे बच्चे तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं, स्कूल बस तो आधे घंटे पहले ही चली गई है, उसे उठाओ। हाँ कितनी मजाक की आप सुकून की नींद है। बच्चों इतनी देर तक क्यों सो रहे हो तुम लोग? अरे सुकून की नींद सोने दो ना। सुकून की नींद? बिस्तर पे लेटे हुए बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो आती ही है, लेकिन हमारा ही घर है ना, कोई बात नहीं, शर्माने की क्या बात है। पागल लोग, तुम लोगों की स्कूल बस तो आधे घंटे पहले फिर से निकल गई। तो ऑटो में चले जाएंगे, उसकी कौन सी बड़ी बात है? हाँ कल से तुम्हें बहुत जल्दी उठ के स्कूल जाना होगा। फिर से गार्डन में चले जाए, हमारा पुराना गार्डन है। चुप करो और उठ जाओ। उठ जाए और हम? ये तो बहुत बड़ी बात है, हम नहीं उठेंगे तो कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या? उठना ही पड़ेगा तुम्हें। अरे उठ जाना तुम लोग, हमारी बस तो फिर से आधे घंटे पहले निकल गई। सुकून की नींद सोते रहोगे क्या?